नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर रेगुलर बेस पे अपर सर्किट लग रहा है और पिछले वीक भी ऐसा रहा है और इस वीक भी देखने को ये मिल रहा है। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करूंगा रेलवे के कुछ स्टॉक्स की। जो रेलवे के स्टॉक्स हैं वो आजकल बहुत चर्चाओं में हैं और उन स्टॉक में लगातार तेजी देखी जा रही है, और ये तेजी कब तक बनी रहेगी, तेजी का कारण क्या है, किस तरह के इनके फ्यूचर प्लान्स कंपनीज के दिखते हैं, उसी सब जो भी डाउट्स हैं उन पर आपको क्लैरिटी इस वीडियो से हो जाएगी। ये वीडियो आप इतना से सुनेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा ही ग्रीन सिग्नल्स अब धीरे धीरे आने लगेंगे। अगर पहले से आप लूजर रहे हैं या आप लूज कर रहे हैं, प्रॉफिट आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे समय से आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहा करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवे के मैक्सिमम स्टॉक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप देख रहे होंगे कि करीब हफ्ते दो हफ्ते से आप लगातार ये देख रहे हैं। हालांकि तेजी पहले भी आई है, अभी जून में जुलाई में भी तेजी देखी गई थी, बहुत अच्छी तेजी रही है, और अप्रैल के बाद से लगातार ये तेजी बनी हुई है। पिछले दो हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस तेजी में एक चीज स्पेशल या एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है इन रेलवे के स्टॉक्स में, कि एक तो अपर सर्किट डेली बेसिस पर लग रहे हैं, साथ के साथ करीब करीब 5% से लेकर के अगर आप एक वीक के अंदर भी देखेंगे तो करीब मिनिमम 5% से और मैक्सिमम 20% तक के जो प्रॉफिट्स हैं या तेजी है वो एक दिन में ही या एक वीक के अंदर भी देखने को मिल रही है, जो कि लगातार बनी हुई है। तो ये एक अच्छी सेगमेंट है, अच्छा सेक्टर साबित हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अगर आप देख रहे होंगे तो रेलवे का सेक्टर एक अच्छा सेक्टर इस बार साबित हो रहा है। पिछले काफ़ी अगर पिछले साल का अगर पैटर्न देखेंगे तो उसमें कुछ भारी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन अभी इस साल से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक हफ्ते में 5% से 24% तक उछाल आया है इन रेलवे के स्टॉक्स में, और आगे ये कैसी तेजी बनी रहेगी इस पर भी हम बात करेंगे। और ये तेजी में अगर स्पीड की बात करें, रफ्तार की, तो कितनी रफ्तार देखने को मिलेगी, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अच्छे से स्टडी किया है सारे पॉइंट्स पर, मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। कि रेलवे विकास निगम की बात करेंगे, जैसे RVNL का स्टॉक है, टीटागढ़ रेल सिस्टम के स्टॉक है, जुपिटर वैगन्स की बात करेंगे, टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग है, IRCTC का स्टॉक है, रेलटेल कॉरपोरेशन है, राइट्स लिमिटेड की भी बात करेंगे। राइट्स लिमिटेड पर भी अच्छा, हालांकि इंडिविजुअल्स वीडियो भी पहले बनाई जा चुकी है। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसमें एक हफ्ते के अंदर 5% से लेकर 24% तक का उछाल देखने को मिला है, तो ये इसका स्पेसिफिक क्या ऐसा कारण है, और कारण कुछ अच्छा ही होगा। साथ के साथ में ये भी देखना है कि ये तेजी आगे आकर कहां तक बनी रहेगी। अगर इन स्टॉक में इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में रेलवे का कोई भी ये स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको ये देखना चाहिए, ये वीडियो सुननी चाहिए। साथ के साथ में अगर आपके पोर्टफोलियो में रेलवे का एक भी स्टॉक नहीं है तो यकीन मानिए कि आप कुछ ना कुछ लैग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छूट रही है। रेलवे से जुड़े जो शेयर हैं उनमें पिछले सप्ताह बहुत जबरदस्त तेजी देखी गई है। यह इस सेक्टर में नए सिरे से इन्वेस्टर्स की बढ़ती हुई उम्मीदों की ओर संकेत करता है। हालांकि हालिया तेजी के बाद कुछ मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इस बारे में लेकर के वो चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो ब्रोकर हाउस हैं जो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा चिंता भी है कि रेलवे के स्टॉक, उनका ऐसा भी मानना है कि ये ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, कहीं जो प्राइस है उससे ज़्यादा महंगे या ओवरबॉट जोन में तो नहीं है, जरूरत से ज़्यादा तो नहीं खरीदे जा रहे हैं, तो उस तरह की कुछ मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऐसी चिंता लग रही है। और हमारा मानना यह है कि इसमें जो भारी बाइंग है, जो अच्छी बाइंग हो रही है, उसके चलते अपने फेयर वैल्यू से ये ऊपर कारोबार कर रहा है, क्योंकि इसमें बाइंग बड़ी है, तो स्टॉक में जब बाइंग बढ़ती है तो वो अपनी वैल्यू से ऊपर जाना स्वाभाविक एक बात है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ये ओवरबॉट जोन में स्टॉक्स हैं, रेलवे के स्टॉक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ओवरबॉट जोन में है, तो इस तरह की चिंता को मैं शायद गलत ही मानता हूँ। बाकी और भी लोगों का कहना है कि इन शेयरों का फंडामेंटल मजबूत है, जिससे और भी तेजी की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बात से हम एग्री करते हैं, क्योंकि रेलवे सेक्टर्स की जितनी भी कंपनियां हमने अभी डिस्कस की हैं, चाहे तो मैं दोबारा से नाम ले देते हैं। RVNL की हम बात कर रहे हैं, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स है, जुपिटर वैगन्स है, टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, IRCTC के स्टॉक की बात कर रहे हैं, रेलटेल के स्टॉक की बात कर रहे हैं, और साथ के साथ राइट्स भी इसी में आता है, तो राइट्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो इन कंपनियों का एक तरह से आप देखेंगे तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इनके स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से तेजी आगे भी बनी रहेगी, ऐसा भी हम मानते हैं। तो ये तेजी का बेसिक कारण है कि एक तो स्टॉक अच्छे हैं, उनका फंडामेंटल अच्छा है, और रेलवे का स्टॉक को अगर पुराने टाइम में आप देखें तो बहुत दिनों से वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत तेजी नहीं देखी गई। लास्ट ईयर की अगर आप बात करेंगे तो बहुत दिनों के बाद ये तेजी आई है, तो ये स्वाभाविक है, वो ओवरबॉट जोन में कभी नहीं है, ऐसा हमारा मानना है।
टेक्निकल बहुत सारे ऐसे भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिर्फ चार्ट्स के ऊपर ही अपना एनालिसिस करते हैं, चार्ट को ही बेस बनाकर करते हैं, वो डेली बेसिस के चार्ट की बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका जो अपना मानना है, उनका कहना है कि इनमें से कई रेलवे स्टॉक उनका भी यही मानना है कि ये ओवरबॉट जोन में है। हालांकि फंडामेंटल जितने भी फंडामेंटल को लेकर के एनालिसिस करते हैं उनका मानना ये नहीं है, फंडामेंटल एनालिस्ट का हमेशा यही कहना है कि इनमें से अधिकतर स्टॉक काफ़ी समय से आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। यही कारण है कि इनकी लंबे समय से वैल्यू अभी तक दबी हुई थी। इसके अलावा बाजार में यह भी चर्चा है कि इस सेक्टर में आने वाले दिनों में मर्जर्स देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो रेलवे कंपनियों की लागत, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में जो लागत होती है उसमें थोड़ा कमी आएगी और इनके टेक्निकल पॉइंट को अगर आप देखेंगे, इनकी कार्यशैली को जो आप देखेंगे तो उसमें निखार आएगा। लागत में कमी आएगी और इनके जो टेक्निकल चीज़ हैं जिससे ये प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें और ज़्यादा तेजी आएगी अगर JVs होते हैं, और साथ के साथ JVs अभी बीच में हुए भी हैं, और अगर मर्जर्स आते हैं तो इन रेलवे के कंपनीज में, तो उससे रेलवे की जो कंपनी है वो जो भी प्रोडक्शन करती हैं उनकी लागत में कमी आना एक इस तरह का इंडिकेशन बनेगा, और उसके साथ साथ उनकी जो टेक्निकल जो एक तरह की पावर होती है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज़ हैं, R&Ds हैं, तो उसमें वो टेक्निकल में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमेशा इस बात को नोट करते रहते हैं कि रेलवे सेक्टर में पैसा और इस पैसा लगातार आ रहा है, मतलब उसके अगर आप स्टॉक की बात करेंगे तो इन सेक्टर्स में लगातार बाइंग अच्छी हो रही है क्योंकि इन्वेस्टर को इस सेक्टर में वैल्यू मिलना जारी है। और उसका बेसिक कारण ये है क्योंकि इन्वेस्टर आज जो है वो अच्छी स्टडी कर रहे हैं, साथ के साथ अगर उनको रिटर्न नहीं मिलेंगे तो इसमें बार बार बाइंग क्यों करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमारा मानना यह है कि इस सेक्टर में जो पैसा है वो लगातार लोग लगा रहे हैं और साथ के साथ उसको समय से एक अच्छा रिटर्न वो उनको मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में जो लोग करते हैं तो उनको अच्छे रिटर्न्स बैक मिल रहे हैं, इसलिए वो लगातार इसमें पैसा लगाते जा रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर है वो बिल्कुल लगाएगा क्योंकि प्रॉफिट होगा तो जरूर लगाएगा, और प्रॉफिट लगातार होता हुआ दिख रहा है, तो मैं ये नहीं समझता कि रेलवे सेक्टर्स में कोई ऐसा इनके स्टॉक में कोई भी कमी है। ओवरबॉट में मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ओवरबॉट जा रहे हैं। इस साल की बात करूँगा, इस साल में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक, यानी कि आप देख लीजिए 31 की जो क्लोजिंग हुई है मार्च 2023 की, उसके बाद से अगर आप देखेंगे हर इस रेलवे के सेक्टर्स में जितने स्टॉक्स हमने अभी इसमें गिनाए हैं उनकी अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक भारतीय रेल ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का करीब 48% जो भी इनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेलवे के पास में, उसका 48% इन्होंने यूटिलाइज किया है। ये एक अच्छी चीज है कि रेल के पास अगर इनके पास जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यानी कि जितना पैसा इनके पास आया उसका करीब करीब 48% इन्होंने यूटिलाइज किया है। और यूटिलाइज कब होता है? जब उसमें वर्क चलता है, काम होता है, रेलवे कुछ बना रही है, कुछ आगे स्टेशन बन रहे हैं, रेल्स बन रही हैं, ट्रेन्स बन रही हैं, तो यानी कि उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल हुआ है। और नहीं तो कुछ कंपनियों में होता है कि वो उतना यूज नहीं कर पाते हैं या उनके पास ऑर्डर ही नहीं है, तो ऑर्डर नहीं है तो पैसे को यूज नहीं कर पाते हैं, ये भी एक रीजन होता है। रेलवे के पास जो भी मार्केट एक्सपेंडिचर है और उसको उन्होंने 48% खर्च किया है 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की इस साल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके दौरान जितना भी इनका एक्सपेंडिचर है तो उसमें इन्होंने इतना खर्च किया है। जो वो खर्च होने का कारण है क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स हैं, इनके पास वर्क है। रेलवे के पास आज हर कंपनी के पास ऑर्डर है, हर कंपनी के पास वर्क है, तो उनके पास जब भी फंड होंगे तो वो उसको यूटिलाइज करेंगे, और ये एक अच्छी चीज है। और जो अगर जानकारों की बात करेंगे या स्टडी की बात करेंगे तो ये आज अभी के समय में जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू हम बता रहे हैं, जो इन्होंने खर्च किया है, जितना इनके पास इकट्ठा हुआ उसमें से 48% इन्होंने खर्च किया है, तो वो बेसिकली अगर आप देखें तो वो एक हाई लेवल है इस समय, क्योंकि रेलवे में एकदम तेजी से डेवलपमेंट की जो बयार बही है उस पर ये अपने आप में एक हाई वैल्यू है। 48% इससे पहले एक इतने कम समय में कभी खर्च नहीं हुआ है। तो ये अगस्त 2023 तक, यानी कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 महीनों में रेलवे ने 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, ये रेलवे का 5 महीनों का करंट का, यानी 2023 का अप्रैल टू अगस्त की हम बात करेंगे तो उसमें 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं रेलवे ने। और वो खर्च करने का बेसिक कारण ये है कि वो एक गुड थिंग है, उनके पास ऑर्डर्स हैं, उनके पास प्रोडक्शन उनको करना है, तो उनके पास बहुत कुछ है। बहुत सारे जो और भी जैसे मनी के ऊपर रिसर्च करने वाले होते हैं, वैल्यू रिसर्च करते हैं, मनी कंट्रोल्स हैं, इस तरह के जो रिसर्चर होते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि भारत सरकार रेलवे सेक्टर के लिए
पहले से ही इसी साल से, अभी ये हालांकि पुराने पहले कुछ सालों में भी था लेकिन इस बार इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेलवे सेक्टर के लिए एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसको पीएलआई की मार्केट लैंग्वेज में पीएलआई ज्यादा बोला जाता है, वो प्रोग्राम गवर्नमेंट बना रही है। और इस पीएलआई स्कीम को खासतौर में लिंक के हाफ मैन बस एलएचबी और वंदे भारत ट्रेन सेटों के लिए जो डिजाइन किए गए पहिए होते हैं, ब्रेक होते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, उसको देश के अंदर ही बनाने का जोर देने के लिए ये पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि जिससे रेल का सारा सामान यहीं बनेगा तो उस पर गवर्नमेंट उनको पीएलआई ऑफर कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है जिससे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की जो है उसको बढ़ावा भी मिलता है। भारतीय रेलवे विशेष रूप से लिंक के हॉफमैन बस एलएचबी जो यूज होता था ट्रेन में, और साथ के साथ वंदे भारत ट्रेन का जो सेट है उसकी जो डिजाइन है और उसके डिजाइन किए हुए पहिए हैं, ब्रेक है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनको डोमेस्टिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कार्यक्रम विकसित कर रहा है। और पीएलआई स्कीम का संभावित बजट करीब करीब 800 से 1200 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है और यह स्कीम की अवधि 3 सालों के लिए होगी, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। और गवर्नमेंट के उसी प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि अगर रेलवे के मुताबिक मैं बात करूं तो रेलवे ने इस चीज को काफी जगह बताया है कि एक्सेल और ब्रेकिंग सिस्टम के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए 200 से 300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। वहीं लोकोमोटिव और ट्रेन मशीनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने सरकार को पड़ सकते हैं। तो इस तरह का इंसेंटिव होने से जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे पीएलआई स्कीम्स को ला रही है, जिससे इसको रेलवे सिस्टम को के जो प्रोडक्शन है उसमें स्पीड आएगी, तो उसके शेयर में भी आएगी, उसके स्टॉक में भी आएगी। भारतीय रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार से सपोर्ट भी मिल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2024 की मैं बात करूंगा, 2024 यानी कि अगले साल की बात कर रहे हैं, तो 2024 में इसके लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि अगले साल 2024 में करीब 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए यानी 2.4 लाख करोड़ रुपए ये जो है इनको आवंटित किए गए हैं रेलवे को, तो गवर्नमेंट्स की तरफ से, जिसके ये अगर कुछ सालों की अगर जैसे 2022 की अगर आप इससे तुलना करेंगे तो उससे ये करीब करीब 65-66% ज़्यादा है जो ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो उसमें अभी करीब 65-66% की उन्होंने ग्रोथ दी है, उसमें ज़्यादा वो पैसा गवर्नमेंट इनको दे रही है स्कीम्स के तहत में, या इसके पिछले साल की तुलना में करीब 65-66% ज़्यादा है। और इसके तहत जो रेल में ये लोग फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि इस पर जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उस पर भी जोर दिया जा रहा है, पीछे कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं तो उसके चलते सिक्योरिटी सिस्टम में वो पैसा लगने वाला है, साथ के साथ रेल के ट्रैक्स को और ज़्यादा अच्छा ट्रैक बनाने के लिए और वैगन्स अच्छे बनने चाहिए, ट्रेन और ट्रेन के साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, सिग्नलिंग होती है स्टेशन की, और भी बहुत सारी बेसिक सुविधाओं के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। और इसमें जितना भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भी आएंगे तो उस पर ये पैसा खर्च किया जाएगा। जी हाँ, 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2024 के लिए। तो आप समझ पाएंगे कि अगला साल जो भी स्टॉक, जो भी शेयर इन रेलवेज का अगर आप पर है, आपने डिलीवरी उनकी डिलीवरी ली हुई है, तो आप समझ पाएंगे जस्ट फॉर अगर कोई भी स्टॉक 100 रुपीज में है तो वो 2024 में आपको 350 यानी कि 350 रुपए के आसपास तो जरूर दिखाई देगा, अगर जो अभी 100 रुपए पे चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस है और रेलवे पे बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा फंड गवर्नमेंट भी दे रही है। अगले साल तक का प्लान हो चुका है, अगले साल तक के पैसे का आवंटन हो चुका है, तो ये चीजें रेलवे के स्टॉक में भी देखने को मिलेंगी। इसमें कोई ओवरबॉट जोन में कोई स्टॉक नहीं है, आप इसमें बिल्कुल बेधड़क होकर के अपना प्लान कर सकते हैं। और इसमें जो भी डाउट अगर रेलवे के स्टॉक में आपको फिर भी बनते हुए दिखाई देते हैं तो आप मुझे लिख भी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेलवे सेक्टर्स के ये स्टॉक जो है आपके लिस्ट में होंगे ही, अगर नहीं है तो अभी भी मौका है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी बहुत तेजी हो गई जी, अभी 30% बढ़ गया आप कैसे खरीदें, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो आगे आपको रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित होगा, अच्छे प्रॉफिट अच्छे मार्जिन देने वाला होगा, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। कोई भी स्टॉक रेलवे का जो अगर तेजी कर रहा है, ये पहले होता था कि प्राइवेट कंपनियों में तेजी आती थी, अभी जो है पीएसयू सेक्टर्स में गवर्नमेंट की सरकारी कंपनीज में भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, साथ के साथ डिविडेंड अच्छे ऊपर हो रहे हैं, अच्छा बोनस वगैरह भी मिलता है और मर्जर्स होंगे तो भी आपको फायदा होगा और जेबीज हो रहे हैं साथ के साथ, इन सारी रेलवेज की कंपनी को बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छे इनके अगर ऑर्डर बुक को बात करेंगे तो लगातार इनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं।
तो अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छे और ऑर्डर के साथ भी इनकी बुक पूरी फुल है। तो अगले 2024 में भी अगर ये फुल है, साथ के साथ गवर्नमेंट से भी इनको फंड मिल रहे हैं और इनके पास भारी मात्रा में है, तो ये स्टॉक एकदम धुआंधार है और बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले साबित होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो इन स्टॉक में से ज्यादा नहीं तो दो स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करने चाहिए और वो आपकी पोर्टफोलियो की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख देंगे अगर एक साल का आप प्लान करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी किसी स्टॉक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। अभी भी अगर आप लॉसेस में हैं, पोर्टफोलियो में आपके ग्रीन जोन में नहीं है, रेड जोन में है, तो आप बिल्कुल क्लियर कट बता सकते हैं, तो उससे मैं आपको जो हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सबको नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।